देखिए ये हमें साइन ए प्लस भी फाइंड करना है, साइन एक्स प्लस वाई ओके, हमें साइन एक्स प्लस वाई ओके साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ओके। तो थोड़ा बोलिए साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस कॉस कॉस ए बी साइन बी। प्लस कॉस ए इंटू कितना, कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। तो ये हमें साइन ए प्लस बी का वैल्यू, साइन एक्स प्लस वाई का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसका फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो साइन एक्स का वैल्यू दे दिया 3/5 हो गया, और ये कॉस वाई का वैल्यू दे दिया -12 -12/30। लेकिन एक चीज नहीं दिया, कॉस एक्स नहीं दिया। देन तुम्हारा कॉस एक्स जो है, और ये बोल रहा है कि जो एक्स एंड वाई बोथ लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट बोल रहा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट हम यहाँ पर तो ए एस टी सी रूल अप्लाई होगा ओके, ए एस टी सी रूल ओके। तो ए एस टी सी रूल थोड़ा अप्लाई होगा कि बोला कि एक्स एंड वाई लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ए एस टी सी रूल ओके। फर्स्ट क्वाड्रेंट है 0 to 90 जिसमें ऑल पॉजिटिव है, फॉर ऑल पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट है यहाँ पर साइन एंड कोसेक पॉजिटिव। तो बोल रहे क्वेश्चन में कि तुम्हारा एक्स एंड वाई लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन का पॉजिटिव आएगा लेकिन कॉस का नेगेटिव आएगा ओके। तो देखिए एक कॉस एक्स निकालना है, कॉस एक्स का वैल्यू निकालना है, तो कॉस एक्स आपका जो वैल्यू नेगेटिव आएगा। क्यों कॉस एक्स का वैल्यू नेगेटिव आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस की पॉजिटिव ओके। तो कॉस एक्स आप निकालना, ठीक है। देखिए कॉस एक्स, कॉस एक्स का फॉर्मूला है 1 - sin² x√1, और ये प्लस माइनस रहता है। लेकिन जब बोल रहा है कि एक्स एंड वाई लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, देन ये कॉस एक्स का वैल्यू नेगेटिव आएगा, ठीक है। अच्छा साइन एक्स का वैल्यू दिया है 3/5 ओके, 3/5 का होल स्क्वायर। देखिए ये माइनस, देखो ये 25 आएगा एलसीएम, ये 25 - 9 = 16 आएगा ओके, 16 का √4/5 आएगा। तो बच्चों यहाँ पर कॉस एक्स का बात बोल रहा है, हमारा साइन एक्स दिया कॉस वाई दे दिया लेकिन कॉस एक्स नहीं दिया। तो कॉस एक्स जो है बोल रहे एक्स एंड वाई लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन एंड कोसेक पॉजिटिव है, तो कॉस का क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये नेगेटिव आएगा, नेगेटिव -4/5 आएगा। फिर हमें साइन वाई निकालना है, साइन वाई निकालना है, तो साइन वाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, वह बोल रहा है कि एक्स वाई लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो साइन वाई का जो वैल्यू पॉजिटिव आएगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का पॉजिटिव है। तो साइन वाई क्या फॉर्मूला है, साइन वाई का फॉर्मूला है 1 - √1 - cos² ठीक है। लेकिन ये प्लस आया क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन का पॉजिटिव होता है ओके। तो बच्चे आपका आंसर जो है प्लस आएगा, ठीक है। अच्छा कॉस वाई का वैल्यू दिया कितना, -12/13। कॉस वाई का वैल्यू -12/13 दिया है ओके। देन बच्चों कॉस वाई का वैल्यू -12/13 दिया, उसका होल स्क्वायर ओके। देन देखो ये कितना आ रहा है, 1, हाँ इसका एलसीएम 169 आएगा, 169 - 144 कितना बोलिए, -12 का स्क्वायर + 144 आएगा 25 आएगा, 25 ओके 25। और ये तुम्हारा 5/13 आएगा ओके, क्योंकि साइन वाई जो है वो बोला एक्स वाई लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो साइन वाई हमारा पॉजिटिव आएगा ओके। तो ये 5/13 आएगा ओके, ये 5/13 आएगा। देन इनका एलसीएम आएगा 13/5 जा कितना, 65 आएगा, दोनों का एलसीएम 65 आएगा। ये -12 * 3 कितना, -36 अगेन ये -20 ओके, -56 ये माइनस कितना, -56 / 65 ओके। तो बच्चे एग्जाम में हमेशा आता है इसका क्वेश्चन एक तो, और ये हमारा एग्जाम में जो ना ट्रिगोनोमेट्री का जो क्वेश्चन गिरता है हमेशा मिसलेनियस का एग्जाम्पल से ही गिरता है ओके। इसी टाइप और एक क्वेश्चन बच्चों में दे रहा सर, कर लेंगे सर। तो यहाँ पर ये दिया है कि साइन ए का वैल्यू हाफ दिया है, कॉस बी का 12/13 दिया है ओके। तो बोल रहा है कि हमें टैन ए माइनस बी फाइंड करना, टैन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है,
टैन ए माइनस कितना, टैन बी डिवाइड बाय वन प्लस कितना, टैन ए टैन बी, वन प्लस टैन ए इंटू टैन बी, ठीक है। देखो अच्छा, टैन ए का बात बोलना, पहला बात है कि देखिए पहला का बात कर लेते हैं, ऐसा आप ट्रायंगल मेथड में भी कर सकते हैं। साइन ए, ए तुम्हारा सेकंड क्वाड्रेंट में है, आगे तो देखिए आप ऐसे ट्रायंगल करके भी कर सकते हैं। ओके, हमारे ए एस टी से रूल कौन सर, साइन सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव। ओके, तो साइन ए तुम्हारा क्या दिया, पी बाय एच, पी आपका वन है, ये एच है टू है, तो ये बोलिए कितना आएगा, ये एक्स और एक्स डैस, ये नेगेटिव आएगा, बोलिए हमारा बी कितना आएगा, टू का स्क्वायर फोर माइनस वन कितना, रूट थ्री, लेकिन ये नेगेटिव आएगा, लेकिन लेंथ नेगेटिव नहीं होता है, लेकिन कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है, माइनस रूट थ्री। ओके, माइनस रूट थ्री और क्या, एक्स का माइनस रूट थ्री, वाई का वन। ओके, तो एक्चुअली नेगेटिव है, लेंथ का भी नेगेटिव नहीं होता है, लेकिन हाँ नेगेटिव ही है। अच्छा, तो हमारा टैन थीटा क्या होगा, टैन ए बोलिए कितना आएगा, साइन ए है, पी बाय एच, टैन ए कितना आएगा, पी बाय बी कितना आएगा बोलिए, माइनस वन बाय रूट थ्री, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट टैन का क्या होता है, नेगेटिव होता है, यहाँ पर भी एक्चुअली ये नेगेटिव माइनस एक्चुअली आता है। ओके, क्योंकि एक्स डैश सिस्टम नेगेटिव है, टैन थीटा पी बाय बी, लेकिन हमारा लेंथ का भी नेगेटिव नहीं होता है, इसीलिए क्या होगा। ओके, तो कोऑर्डिनेट एक्चुअल नेगेटिव होता है, एक्चुअली इस तरफ नेगेटिव ही है, लेंथ नेवर भी नेगेटिव, तो एक्चुअली ये पी बाई बी, ये बी तो नेगेटिव है। ओके, तो वन बाई माइनस टू थ्री। ओके, तो टैन थीटा का वैल्यू आ गया। ओके, जहाँ जहाँ टैन थीटा का वैल्यू डाल दीजिए। ओके, ओके ये वन प्लस टैन थीटा इधर भी है, माइनस वन बाय कितना, रूट थ्री। ओके, अच्छा टैन बी चाहिए, देखिए टैन बी चाहिए, बोला कि सेकंड बात है कॉस बी जो है आपका थ्री पाई बाई टू से, एक्चुअली हमारा ये जीरो है, ये पाई बाई टू होता है, मीन्स 180 बाई टू, 90 डिग्री, ये पाई रेडियन माने 180 डिग्री होता है, ये थ्री पाई बाई टू माने आपका 270, फिर ये आपको फिर कह सकते टू पाई कह सकते। ओके, तो यहाँ पर है आपका, ओके सेकंड क्वाड्रेंट के बाद, थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट के बाद बोलता है। अगर नेक्स्ट बात जो बी का बात बोलता है, बी का आपका जो बात बोलता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में बोलता है, ठीक है। अच्छा, टैन थीटा का क्या दिया है, इसका और एक फिगर होना चाहिए, लेकिन मैं इसमें ही कर दे रहा हूँ, और एक फिगर होना चाहिए, मैं इसमें ही कर दे रहा हूँ। अच्छा टैन बी, अच्छा कॉस बी श्योर पॉजिटिव आएगा, कॉस बी, क्योंकि हमारा ए एस टी सी रूल कौन सर, ए एस टी सी रूल के अनुसार हमारा क्या होता है कि ये तुम्हारा फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है, तो इसलिए कॉस का वो वैल्यू भी दिया, 12/13 पॉजिटिव। ओके, हाँ कॉस 13 क्या है, कॉस थीटा क्या फॉर्मूला है, बी बाय एच, ये 12/13। ओके, 12/13। ओके, अच्छा तो फिर ये हमारा वाई डैश नेगेटिव आएगा बच्चों, ऊपर वाई पॉजिटिव है, नीचे वाई डैश नेगेटिव आएगा, तो बोलिए हमारा एक्स इसका पॉजिटिव है 12, किंतु वाई इसका नेगेटिव आएगा, कितना आएगा बोले, 13 कर कितना, 169 माइनस 144 कितना आ रहा है, 25 रूट 5 आएगा। ओके, तो ये y पॉजिटिव है, y डैश नेगेटिव है, तो नेगेटिव एक्चुअली नेगेटिव है, लेकिन लेंथ का भी नेगेटिव नहीं होता, कोऑर्डिनेट। अच्छा, हमें चाहिए टैन भी चाहिए, टैन भी पी बाई बी होता है। ओके, ये एंगल सामने वाला p है, एंगल का सामने वाला p होता है, मीन्स ये माइनस 5, b है आपका 12 और h है 13, तो p बाई बी माइनस 5 बाई 12 आएगा। और एक बात है, हमारा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव है, तो ASTC, हाँ सी फॉर cos और sec पॉजिटिव है, तो tan का नेगेटिव आएगा। यहाँ पर क्यों भी आएगा ये भी पता चला, एक्चुअली y डैश है तुम्हारा, tan थीटा p बाई ये नेगेटिव होता है, माइनस 5 बाई 12। ओके, ये माइनस 5 बाई 12। ओके, ठीक है, और ये आपका कितना, माइनस 5 बाई 12, तो आपका देखिए कितना आ रहा है, ये आंसर वैल्यू कितना आ रहा है, और ये माइनस 1 बाई रूट 3, और माइनस माइनस ये प्लस 5 बाई 12, इसका है
वन प्लस ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, फाइव बाय कितना 12√3, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 12√3 आएगा। ये डिवाइड कर दीजिए, √3 डिवाइड कीजिए, कट जाएगा 12 इंटू ये माइनस 12 आएगा, ये डिवाइड कर दीजिए 12 कट जाएगा, √3 रहेगा प्लस 5√3 आ जाएगा। बच्चे डिवाइड कीजिए, √3 कटा 12 इंटू माइनस वन माइनस 12, डिवाइड कीजिए 12 कट जाएगा, √3 इंटू 5 हो गए। नेक्स्ट देखिए, ये आपका 12√3 हो गए, टाइड इंटू कीजिए कितना 12√3 प्लस 5, 12√3 प्लस 5 आपको रेसिप्रोकल करके करने से आपका ये कर जाएगा, आपका कितना आएगा बच्चों देखिए 5√3 माइनस 12 बाय कितना 5 और √3 माइनस 12 बाय 12√3 प्लस 5, इतना ही आएगा। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है, टेंथ में करते थे लेकिन इलेवेंथ में करने की जरूरत नहीं है, ओके ठीक है बच्चों। और एक लास्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, हमारा कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है कॉस ए इनटू कॉस बी माइनस साइन ए इनटू साइन बी, कॉस ए इनटू कॉस बी माइनस साइन ए इनटू साइन बी, ओके। व्हाट इज योर कॉस ए, माइनस 24 बाय 25, व्हाट इज योर कॉस बी, दैट इज 3/5, लेकिन आपका साइन एंड साइन बी नहीं दिया है, साइन ए साइन भी नहीं दिया। आप साइन ए साइन भी आप ट्रायंगल बना के कर सकते हैं, नहीं तो फॉर्मूला को डाल के भी कर सकते हैं। हाँ बोलिए, माइनस 4/5 आ रहा है आंसर, ओ ठीक है। देखिए साइन ए हमें फाइंड करना है, साइन ए 1 माइनस कितना कॉस स्क्वायर ए का रूट ऑफ, ठीक है। अच्छा आपका ए जो है वो बोल रहा है पाई से 3π/2, मीन्स कौन सा क्वाड्रेंट, देखिए एस टी से रूल लगे पाई से 3π/2, ए इसमें लाइजे, तो यहाँ पर कौन पॉजिटिव है, टैन एंड कॉट पॉजिटिव है, यहाँ पर टैन एंड कॉट पॉजिटिव है, तो साइन का क्या नेगेटिव आएगा, साइन का जो वैल्यू आएगा वो नेगेटिव आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में ए लाइज है, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन कॉट पॉजिटिव है तो साइन का नेगेटिव आएगा, ओके। व्हाट इज योर कॉस ए, कॉस ए द्वारा कितना माइनस 24/25 हो गया का होल स्क्वायर, ओके। इसे ट्रायंगल बना के भी कर सकते हैं, ओके। ये 24 का 25 का स्क्वायर 625, ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा 625 माइनस 24 का स्क्वायर 576, तो कितना आ रहा है देखो 49/625, डायरेक्ट मल्टीप्लाई, हाँ 625 वन से डायरेक्ट होगा, कितना आ रहा है 49 49 का स्क्वायर रूट 7/ क्या 25 का, ये 25 लेकिन ये माइनस आएगा क्योंकि थर्ड क्वार्टर टैन कॉट पॉजिटिव था इनका, ये तो माइनस 7/25 आएगा। उसी तरह साइन बी भी निकालना है, ओके बोल, लेकिन साइन बी जो है लाइज बोल रहा है कौन सा, इसको ट्रायंगल बना कर देते हैं, ओके। साइन बी का, हाँ साइन बी का वैल्यू तुम्हारा नेगेटिव आएगा, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ पर ओके फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस और साइन पॉजिटिव, ओके देखिए साइन बी, ओके अच्छा कॉस बी क्या दिया 3/5, कॉस बी 3/5, कॉस थीटा बी बाय एच होता है, ओके बी बाय एच होता है, देन ये आपका साइन 4 आएगा और ये नेगेटिव में आएगा, एक्स का पॉजिटिव वाई का नेगेटिव आएगा। अच्छा तो हमें साइन थीटा चाहिए पी बाय एच माइनस 4/5, क्योंकि इधर वाई पॉजिटिव वाई डैश इधर क्या नेगेटिव, साइन थीटा पी बाय एच एक्चुअली ये नेगेटिव आएगा, ये इस तरफ है ये नेगेटिव आएगा, ओके वाई डैश तो माइनस पी बाय एच माइनस 4/5, साइन बी का वैल्यू माइनस 4/5, और ये भी बात है हमारा कि फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस और सेक पॉजिटिव साइन का नेगेटिव आएगा, तो आंसर देखिए कितना आ रहा है, ये 25 इंटू 5 कितना रहे 125,
टोटल एलसीएम माइनस 24 इनटू 3 कितना 3 4 जट 12 1 72 माइनस 72 72 माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हाँ बोलिए सर, फोर्थ क्वाड्रेंट में वो साइन बी का वैल्यू आया माइनस 4/5, फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन बी नेगेटिव भी होता है तो फिर से माइनस डालेंगे कि उतना ही? मैंने समझा नहीं। अरे हम तो वही, अरे वही तो हम यहाँ पर साइन बी का जो वैल्यू 4/5 है यहाँ पर वो नेगेटिव ही आएगा, फिर उसको क्या करोगे? फिर हमको पता भी है कि एस टू और वो ट्रायंगल में भी आता है उसी वही आता है नेगेटिव, ट्रायंगल करके करो वही नेगेटिव आएगा और एस टी सी में भी करने से वही नेगेटिव आएगा, फिर उसको नेगेटिव। अरे जो भी करो तुम ट्रायंगल में करो वही नेगेटिव आएगा, एस टी सी रूल भी डाल के करो वो भी नेगेटिव आएगा, फिर उसको और कुछ करना नहीं है। ठीक है देन बच्चों, ये आपका आ गया, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है ये माइनस 28 ये आ रहा है 30 माइनस 100 125 हो गया तो कितना बन रहा है माइनस 4/5। अच्छा ठीक है ये तुम लोग। अच्छा बच्चों एक कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला बोला गया था, ये हाफ कितना कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। अगर ये फॉर्मूला किसी को अगर याद नहीं है आप ड्राइव भी कर सकते हैं। आगे आप ये फॉर्मूला किसी को याद नहीं है आप ड्राइव कैसे करेंगे? कॉस ए प्लस बी लिखेंगे, ये कॉस ए इंटू क्या कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ओके फिर कॉस ए माइनस बी लिखोगे क्या कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है आप क्या कर लीजिए ऐड कर दीजिए। ओके जब ऐड करने से ये फॉर्मूला आएगा। ओके जब ऐड करते हो ये बनता है कितना कॉस ए प्लस बी और क्या प्लस कॉस ए माइनस बी। ओके ठीक है जब ऐड करते हो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी आता है। ठीक है तो ऐड करते हो तो बच्चों ये वाला पार्ट कट जाता है, ये आता है टू कॉस ए। जब ऐड करते हो बच्चों क्या होता है आपका ये वाला पार्ट कट जाता है, रहता है टू कॉस ए कॉस बी। तो बच्चों कॉस एंड कॉस बी का फॉर्मूला क्या है, इंटू टू इधर डिवाइड टू कर दीजिए, हाफ कॉस ए प्लस बी और क्या कॉस ए माइनस बी। और सबट्रैक्ट तुम करोगे ना सेकंड पार्ट मिलेगा साइन ए साइन बी, सबट्रैक्ट करोगे तो साइन ए साइन बी मिलेगा। साइन ए इंटू साइन बी का क्या फॉर्मूला है, साइन ए इंटू बी साइन बी का माइनस हाफ कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। फिलहाल हमें कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला चाहिए, ये वाला फॉर्मूला होगा। ओके सबट्रैक्ट करने से आपका साइन ए इंटू साइन बी आएगा जो उसका फॉर्मूला है माइनस हाफ कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। ओके हो तो ये फॉर्मूला डालिए, कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला थोड़ा डाल के बोलिए कितना आ रहा है। देखिए कॉस ए इंटू कॉस बी क्या है आपका, हाफ कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ये आएगा हाफ कॉस ए प्लस बी। ऐड कीजिए 2x प्लस x बाई टू, हाफ कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी 2x माइनस x बाई टू। ओके और बच्चे इसमें और इसमें जरूर कुछ कॉमन जाएगा। ओके इस फिर इसका डालिए कॉस ए एंड कॉस बी, हाफ कॉस ए प्लस बी कॉस 3x प्लस कितना कॉस 3x प्लस कितना 9x बाई टू, हाफ कॉस ए प्लस बी गलत लिख दिया कि 3x और ये 9x बाई टू, हाफ कॉस ए प्लस बी फिर प्लस कॉस ए माइनस बी। ओके दैट इज 3x माइनस 9x बाई टू। ठीक है बच्चों, बच्चों लोग ये कॉस एंड कॉस बी का फॉर्मूला डाले, कॉस एंड कॉस बी हाफ कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस, इधर भी हाफ कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। ओके अच्छा दोनों में हाफ बच्चों कॉमन जाएगा, ये हाफ और ये हाफ दोनों में हाफ कॉमन जाएगा। अच्छा ये कितना बन रहा है 2x प्लस x कितना एलसीएम 2 ले लीजिए, हाँ एलसीएम 2 ले लीजिए डायरेक्ट 2 होगा 4x प्लस x 5x।
और ये कॉस ये डायरेक्ट इनटू होगा 2 3x हो जाएगी by तो 2 4x हां 3x by 2 ओके वेरी गुड ओके आगे ये माइनस रहेगा और माइनस रहेगा तो ये दोनों चेंज हो जाएगा ओके देन ये कितना आएगा कॉस कितना आएगा 6 प्लस 9 कितना 15 15x by 2 हां हां पूछ जैसे ओके प्लस कितना देखो कॉस कितना रहा है 2 3 6 माइनस माइनस 3 3x by 2 तो प्लस 3x by 2 आएगा हाँ तंदरा में तो थोड़ा तंदरा होने से प्रॉब्लम होगी अच्छा व्हाट इज द कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस कॉस थीटा थोड़ा रुक जाइए ओके अच्छा ठीक है हमें एस टी सूल फिर थोड़ा डालेंगे थोड़ा रुकिए ये कॉस कितना 5x by 2 हो गए ये प्लस कॉस 3x by 2 ठीक है ये माइनस कॉस कितना 15x by 2 अच्छा हमारे केएसटी से रूल होता है ये माइनस थीटा इसी क्वाड्रेंट में फॉर्मूला ले आता है इसका फॉर्मूला है माइनस थीटा इसी क्वाड्रेंट में ले आता है जिसमें ओके आपका कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है सेक माइनस थीटा भी प्लस सेक थीटा होता है लेकिन बाकी सब नेगेटिव होता है साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा टैन माइनस थीटा माइनस टैन थीटा लेकिन कॉस माइनस थीटा आपका प्लस कॉस थीटा होता है तो व्हाट इज द कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है लेकिन पहले से एक तो माइनस है ओके तो माइनस से कॉस 3x / 2 आएगा ठीक है बच्चों मैं फिर से बोल रहा हूं योर कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है प्लस कॉस थीटा होता है ठीक है और उससे पहले यहां पर एक माइनस है तो इसको भी माइनस कर देगा और इसको भी माइनस कर देगा अभी देखिए ये और क्या कर देगा ये हाफ ये कॉस 5x by 2 माइनस कॉस कितना 15x by 2 अच्छा तो पहला मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया इतना तक पहुंच के बच फिर बच यहां पर एक आ रहा है कॉस सी माइनस कॉस डी अप्लाई कॉस सी माइनस कॉस डी ओके ये बहुत ही ये फॉर्मूला आपका बहुत ज़्यादा अप्लाई होता है कॉस सी माइनस कॉस डी याद कैसे रखते हैं मैं बोला था आपको कॉस ए प्लस बी आपका फॉर्मूला है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी ओके आपका कॉस सी प्लस कॉस डी पहला पार्ट होता है कॉस सी प्लस कॉस डी पहला पार्ट होता है क्या पार्ट होता है टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू कॉस सी प्लस कॉस डी पहला पार्ट होता है टू कॉस ए के बदल में सी प्लस डी बाई टू बी के बदल सी माइनस डी बाई टू कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होता है माइनस हाफ और कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है टू कॉस ओके अच्छा कॉस सी माइनस कॉस डी अगर फॉर्मूला अगर भूल भी जाते हो आपका कॉस ए प्लस बी का सेकेंड पार्ट पहला पार्ट है कॉस सी प्लस कॉस डी होता है टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू और कॉस सी माइनस कॉस डी होता है माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई सेकेंड पार्ट होता है कॉस सी माइनस कॉस डी तो कॉस सी माइनस कॉस डी का क्या फॉर्मूला है माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कितना फॉर्मूला डाल दीजिए आपका प्रूफ हो जाएगा देखो बच्चों ये हाफ कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला है माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू दैट इज फाइव एक्स बाई टू प्लस 15x बाई टू सी प्लस डी बाई टू ओके माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू ये सी है और ये डी है ओके माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू फाइव एक्स बाई टू
माइनस 15x बाय टू सी माइनस डी बाय टू। ओके, तो ये आपका फॉर्मूला है कि साइन कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, आओ ये काट दीजिए, पहला आपका कितना बन रहा है, ये माइनस आ रहा है। ओके, ये साइन ये कितना बन रहा है, देखिए 5x प्लस 15x कितना 20x बाई टू, टेन एक्स फिर उसको बाय टू 5x बच्चा। ओके, मैं फिर से बोलो 5x प्लस 15x 20x बाय टू होता है 10x फिर उसका फिर बाय टू 5x। ओके, नहीं देखिए ये साइन कितना 5x माइनस 15, 5x माइनस कितना 15 बोलिए, माइनस 5x बाय टू, नहीं नहीं 5x माइनस 15x होता है माइनस 10x बाय टू। ओके, माइनस 10x बाय टू आपका माइनस 5x बाय टू फिर उसका फिर बाय टू, ये माइनस 5x बाय टू। ओके, देखिए ये 5 माइनस 15 माइनस 10x बाय टू करोगे माइनस 5x फिर उसका बाय टू है। ठीक है, अच्छा बोलिए व्हाट इज द साइन माइनस थीटा फॉर्मूला, एस टी सी रूल माइनस साइन थीटा। ओके, एस टी सी रूल देखिए हमारा, ओके माइनस थीटा सिर्फ इसी का ही आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, हमारा कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है, सेक माइनस थीटा प्लस सेक थीटा, बाकी सब नेगेटिव, तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो साइन माइनस थीटा आपका माइनस साइन थीटा होगा। ओके, आपका साइन माइनस थीटा ये माइनस इधर माइनस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस साइन माइनस थीटा कितना है माइनस साइन थीटा, साइन 5x और क्या हो जाएगा साइन कितना 5x बाय, ये साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा दो टू माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा म्यूट कर लो बच्चों, म्यूट कर लो, अरे म्यूट कर लो। अच्छा हो गया बच्चों, यही प्रूव करना था बच्चों लोग, यस, ये आपका माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा और साइन 5x इंटू साइन 5x बाय टू, यही प्रूव करना था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, इसमें दो फॉर्मूला लगा कि एक है कॉस एंड कॉस बी और एक है कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगा, दो फॉर्मूला लगा के ये पास मार्क एग्जाम आता है। ओके बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिसलेनियस का हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि हमेशा एग्जाम आता है, जरूर देखोगे हर एग्जाम में मिलेगा आपको ये क्वेश्चन। तो टैन पाई बाई एट एक्चुअली ये टैन कितना आपका 22 हाफ होता है, पाई बाई फोर कितना होता है 45, 5 by 4 कितना होता है 45 आपका 45 होता है, फिर by 2 22 half होता है, 22 tan 22 half, हाँ ओके, तुम देखोगे pi 180 by 80 करोगे, 180 by 8 करोगे ये 22 half आएगा, नहीं तो एक काम कर लो pi by 4 होता है 180 by 4 45 होता है फिर उसको by 2 कर लोगे। देखिए ये आपका ये करना, ओके लेट ए इक्वल टू आपका पाई बाई एट लेना। अच्छा टैन टू ए का फॉर्मूला बोलिए, टैन टू ए का फॉर्मूला टू टैन ए बाय वन माइनस टैन स्क्वायर, टू टैन ए बाय वन माइनस टैन स्क्वायर। ओके तो बच्चों हम लेट ए को क्या लिए, पाई बाई एट लिखो या 22 हाफ लिखो, ओके एक ही बात है, लेट ए इक्वल टू 22 हाफ या पाई बाई एट। ओके तो एक के बाद में डाल दीजिए पाई बाई एट, ओके जहाँ पर ए लिखा उधर पाई बाई एट डाल दीजिए, पाई बाई एट टू टैन कितना पाई बाई एट बाई कितना वन माइनस टैन स्क्वायर कितना पाई बाई एट। ठीक है, ये टैन कितना बनेगा बोलिए, ये तो टू टू कट जाएगा, टैन 45 बोलिए कितना वैल्यू, वन टैन 45 कितना वन आएगा, ये टू टैन कितना पाई बाई एट बाई कितना वन माइनस टैन स्क्वायर पाई बाई एट। ओके ठीक है, ये टू टैन पाई बाई एट बाई वन माइनस टैन स्क्वायर पाई बाई एट। ओके अच्छा डिवाइड वन इधर इंटू कीजिए बच्चे, कि यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, डिवाइड वन इसे उल्टू कर लीजिए, वन माइनस कितना
टैन स्क्वायर पाई बाय एट इक्वल कितना, टू टैन पाई बाय एट। बच्चों सभी उस तरफ ले लीजिए, ये माइनस कुछ तरफ ले लीजिए, टैन स्क्वायर पाई बाय एट आएगा, ये प्लस टू टैन पाई बाय एट। ओके, ये प्लस वन भी दे लाइए। ओके बच्चों, इसे सॉल्व, ये एक तो बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। ओके, इसे सॉल्व करना मुश्किल है, इसलिए क्या कीजिए, पुट टैन पाई बाय एट इक्वल टू वाई, ठीक है, वाई के बदले में टैन पाई बाय एट ले ली, तो ये क्या होगा, वाई स्क्वायर होगा प्लस टू वाई होगा माइनस वन इक्वल टू जीरो। अब वाई बच्चों डी मेथड में निकालिए, मिल्टन फैक्ट ऐसे नहीं होगा। देखिए बच्चों, ये हमारा इसको सॉल्व करना है, हमारा डी मेथड में निकाल रहे हैं, डी ये कितना, बी स्क्वायर माइनस कितना, फोर ए सी, वाडिजर बी टू, वाडिजर ए, वाडिजर सी। ओके, डी आपका बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक है, तो बी आपका टू है, माइनस फोर ए है, वन है, सी आपका ये। ओके, ये ए है वन है, बी टू है, सी माइनस वन। ओके, तो आपका डी इक्वल टू का स्क्वायर फोर है, फोर प्लस फोर कितना, ये प्लस फोर हो जाएगा, माइनस फोर इंटू माइनस वन। ओके, डी आपका कितना आ रहा है, एट आ रहा है, लेकिन हमें रूट डी चाहिए, एट का रूट, एट का रूट कितना आएगा, टू रूट टू, टू रूट आएगा। ओके, एट का रूट देखोगे, टू फोर जा टू टू जाके, दो टू में निकलेगा और एक टू का नहीं निकलेगा, तो रूट डी आपका कितना आएगा, टू रूट टू आएगा, ठीक है। तो बच्चा हमारा एक फॉर्मूला है, तो वाई इक्वल क्या फॉर्मूला आएगा, माइनस बी, वाई इक्वल क्या आ जाएगा फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई टू ए, व्हाट इज बी, टू। ये क्वार्टर इक्वेशन देखिए, आपका बी क्या बताता है, ए वन है, बी टू है, सी माइनस वन है। ओके, बी आपका टू है। ओके, प्लस माइनस व्हाट इज रूट डी, टू रूट टू। ओके, व्हाट इज ए, वन है। अब ए आप देख सकते हैं क्वार्टर इक्वेशन का, ये आपका ए वन है। ओके, ठीक है, अच्छा, यहाँ पर टू कॉमन ले लीजिए, ये माइनस वन प्लस माइनस रूट टू बाई कितना, टू है। ओके, ये टू टू कट जाएगा, तो एक दो वैल्यू आया आपका, वाई का वैल्यू दो आया। वाई क्या लिए थे बच्चों हम, वाई क्या लिए थे, टेन पाई बाई एट, टेन पाई बाई एट। ओके, देखिए हमारा टेन पाई बाई एट का दो वैल्यू आया। ओके, एक है माइनस वन माइनस रूट टू बाई टू, ये प्लस माइनस है ना, एक है माइनस वन माइनस रूट टू बाई टू, और एक वैल्यू है माइनस वन प्लस रूट टू बाई टू। ओके सर, टू तो कट गया, तो बच्चे, सॉरी सॉरी, एक है माइनस वन माइनस रूट टू, और एक है कितना, माइनस वन कितना, प्लस रूट। ओके, दो वैल्यू है। ओके, टू कट गया। ओके, तो बच्चों दो वैल्यू है हमारा, टैन पाई बाई जो है टैन ट्वेंटी टू हाफ होता है। तो बच्चा हमारा, मैं बोल रहा था जीरो टू नाइन्टी डिग्री, जितना सब एक्यूट एंगल है। ओके, टैन ट्वेंटी टू हाफ, जितना सब एक्यूट एंगल का इसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आता है, क्योंकि हमारे फर्स्ट पॉइंट में ऑल पॉजिटिव है, तो ये कभी नेगेटिव नहीं होगा, रिजेक्टेड हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा टैन पाई ट्वेंटी टू हाफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव रिजेक्टेड हो जाएगा। टैन पाई बाई एट आपका रूट टू माइनस वन, आपको याद भी रखना है, क्योंकि आपका आगे जाके जेई मेन का क्वेश्चन में ये यूज है, जैसे आपको कॉस 120 माइनस वन बाई टू याद रखना है, इसी तरह टैन पाई बाई एट का वैल्यू भी आपको याद रखना है, रूट टू माइनस वन, क्योंकि ये वैल्यू यूज है। ये मिसलेनियस का क्वेश्चन एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, हमेशा एग्जाम में जितना आप चार क्वेश्चन बोले, वो चार क्वेश्चन में हमेशा आता है। देखो, हमारा कॉस्ट वे का एक फॉर्मूला है, कॉस्ट वे का छह फॉर्मूला है, लेकिन कॉस्ट वे का कॉस्ट में क्या फॉर्मूला है, कॉस्ट वे का कॉस्ट में क्या फॉर्मूला है, टू कॉस्ट करे क्या, माइनस वन,
मुझे कॉस करे चाहिए, कॉस करे। सो व्हाट इज द टू कॉस करे, माइनस वन उधर ले लीजिए, वन प्लस कॉस टू, ये भी एक फॉर्मूला, वन प्लस कॉस टू, टू कॉस करे। मुझे कॉस करे का फॉर्मूला चाहिए, वन प्लस कॉस टू ए बाई टू। बच्चे अभी ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आपका कॉस करेक्स का फॉर्मूला क्या है, वन प्लस कॉस टू ए बाई टू। तो ये इसमें भी अप्लाई कीजिए कॉस करेक्स का, वन प्लस कॉस टू ए बाई टू। इसमें भी अप्लाई कीजिए कॉस करेक्स का, वन प्लस कॉस टू ए बाई टू। इसमें भी अप्लाई कीजिए कॉस करेक्स का, वन प्लस कॉस टू ए बाई टू। ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए आपका, ये कॉस करे का फॉर्मूला डालिए। कॉस करे का क्या फॉर्मूला है बच्चों, वन प्लस कॉस टू ए बाई टू। ओके, यहाँ पर भी डालिए, वन प्लस कॉस टू ए बाई टू। ओके, यहाँ पर भी डालिए, इसका भी डालिए कॉस करेक्स का, वन प्लस कॉस टू ए बाई टू। वन प्लस कॉस टू ए बाई टू, ठीक है। तो इसका भी देखो कॉस करेगा क्या, कॉस करेगा इसका, वन प्लस कॉस टू ए बाई टू। अच्छा, सभी में क्या कॉमन जाएगा, वन बाय टू जाएगा। जाने बाद इधर क्या बचेगा, वन प्लस कितना कॉस टू एक्स, इधर क्या बचेगा, वन प्लस कॉस ई इन टू कर दीजिए, टू एक्स प्लस टू पाई बाई थ्री। यहाँ पर बच्चों वन बाई टू सब में कॉमन ले लीजिए, इधर वन प्लस कॉस टू एक्स, इधर भी वन प्लस कॉस टू एक्स बचेगा, लेकिन टू मल्टीप्लाई कर लीजिए, इधर भी वन प्लस कॉस टू एक्स बचेगा, टू मल्टीप्लाई कर लीजिए, टू एक्स माइनस टू पाई बाई थ्री, टू एक्स माइनस टू पाई बाई थ्री। ठीक है बच्चों, बच्चों हमारा वन वन बाई टू कॉमन ले लिए। अच्छा, और एक बात है, देखिए ये वन और ये वन मिला कितना हो गया, थ्री। ये थ्री प्लस कितना कॉस टू एक्स, और ये कॉस कितना टू एक्स प्लस टू पाई बाई थ्री। ओके, और ये बच्चों कॉस 2x माइनस टू पाई बाई थ्री। बच्चों अभी आपका cos c प्लस cos d का फॉर्मूला अप्लाई होगा। आपका यहाँ पर ये cos c प्लस cos d का फॉर्मूला आपका अप्लाई होगा, ये दोनों का। cos c प्लस cos d जो है cos a प्लस b का पहला पार्ट, cos c प्लस cos d क्या फॉर्मूला है, तो याद रखा है cos c प्लस cos d माइनस टू साइन सी प्लस बी सी प्लस बी। नहीं 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 नहीं, टू कॉस ए प्लस बी बाय टू, टू कॉस सी प्लस ये टू कॉस सी प्लस डी बाय टू इनटू कॉस सी माइनस डी बाय कॉस सी माइनस डी बाय टू। तो याद कैसे रखेंगे बोल दे रहा हूँ, आपका कॉस ए प्लस बी का पहला पार्ट, कॉस ए प्लस बी जो है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ओके, आपका कॉस कॉस सी प्लस कॉस डी क्या आता है, पहला पार्ट होता है। कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है, पहला पार्ट क्या आता है, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। कॉस सी माइनस कॉस डी का सेकेंड पार्ट होता है माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू टू साइन सी माइनस डी बाई टू, ऐसे याद रखता है। कॉस सी प्लस कॉस डी पहला पार्ट होता है, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। साइन सी कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होता है, सेकंड पार्ट माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू टू साइन सी माइनस डी बाई टू। ओके, तो कॉस सी प्लस कॉस डी टू कॉस सी प्लस डी बाई टू टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। तो इस दोनों में अप्लाई कर दीजिए, वन बाई टू थ्री प्लस कॉस टू एक्स। तो कॉस सी प्लस कॉस डी क्या फॉर्मूला है,
टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, इनको जब ऐड करेंगे कौन कट जाएगा बच्चों? जब टू कॉस सी प्लस डी बाई टू करेंगे, इन दोनों को जब ऐड करेंगे कौन कट जाएगा बच्चे बोलिए? जब टू कॉस सी प्लस डी बाई टू करेंगे, सी प्लस डी को ऐड करेंगे तो कौन कट जाएगा? प्लस टू पाई बाई थ्री माइनस टू पाई थ्री कट जाएगा बचेगा टू एक्स प्लस टू एक्स फोर एक्स बाई टू। बच्चों जब कॉस सी प्लस कॉस डी करेंगे, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी जब करते हैं टू पाई बाई थ्री माइनस टू पाई थ्री कट जाएगा तो टू एक्स प्लस टू एक्स फोर एक्स बाई टू टू एक्स आएगा। ओके, फिर कॉस सी माइनस डी बाई टू जब ये माइनस करेंगे बच्चों टू एक्स कट जाएगा, सी माइनस डी ये प्लस हो जाएगा टू पाई बाई थ्री प्लस टू पाई बाई थ्री। हमारा पाई बाई थ्री कितना बच्चों? 60। हाँ पाई बाई थ्री होता है 60 इंटू टू 120 प्लस 120 240 बाई टू टू बाई टू। इसको टू पाई बाई थ्री भी लिख सकते हो। फिर से मैं बोल रहा हूँ, जब सी माइनस डी करोगे ये माइनस ये जब करोगे प्लस टू एक्स माइनस टू कट जाएगा देन टू पाई बाई थ्री ये माइनस माइनस फोर पाई बाई थ्री सी माइनस डी ये माइनस ये करोगे प्लस टू एक्स माइनस टू कटेगा ये जो हाँ सी माइनस यहाँ पर एक माइनस रहेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा टू पाई बाई थ्री प्लस टू पाई बाई थ्री फोर पाई बाई थ्री बाई टू करोगे फोर पाई बाई थ्री बाई टू का टू पाई बाई थ्री आएगा टू पाई बाई थ्री दैट इज कॉस 120 होता है। अच्छा बच्चों मैं बोला था आप लोग को कॉस 120 का वैल्यू याद रखने के लिए बच्चों मैं बोला था कॉस 120 का वैल्यू ये थ्री कॉस टू एक्स है। ओके ये टू कॉस टू एक्स है। अच्छा बच्चों कॉस 120 का वैल्यू याद रखना है आपका माइनस वन बाई टू। इसी तरह कॉस 22 हाफ पाई बाई एट का वैल्यू भी याद रखना है रूट टू माइनस वन। ओके कुछ वैल्यू आपको याद रखना है कॉस 120 माइनस वन बाई टू क्योंकि हमेशा यूज होता है। देन आपका वन बाई टू ये थ्री प्लस कॉस टू एक्स ओके ये माइनस कॉस टू एक्स ओके ये आपका प्लस कॉस टू एक्स माइनस कॉस टू एक्स कट जाएगा तो आपका आंसर कितना है थ्री बाई टू। ठीक है देखो स्टार्टिंग